हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज मी प्रीति एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. सो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ दिस मेकअप लुक, जिसे मैंने कैरी किया है सावन. तो सावन स्पेशल चल रहा है और सावन का टाइम चल रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक ये लुक ट्राई किया जाए और आप लोगों के साथ में शेयर किया जाए. सो कैसा लग रहा है ये लुक पहले तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. अगर ये लुक पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और सेम लुक अगर आप क्रिएट करना चाहते हो तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा, बिना स्किप किए हुए देखिएगा. और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में. तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस, चलिए मेकअप स्टार्ट करते हैं. तो मैं सबसे पहले अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र लगाने जा रही हूँ. ये मॉइस्चराइज़र मेडिकेटेड है तो इसको मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी. जैसी भी आपके स्किन टाइप है उस टाइप का आप मॉइस्चराइज़र लगा सकते हो. मॉइस्चराइज़र लगाने से आपका जो मेकअप है वो केकी नहीं होता है और आपकी स्किन भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट रहती है. सो इसलिए मैं मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ. आपको जो भी सूट करता है आप वो मॉइस्चराइज़र लगा सकते हो. अब मैं अपने लिप को मॉइस्चराइज़ करूँगी, जिसके लिए मैं ये लिप बाम यूज़ कर रही हूँ. ये निविया का लिप बाम है. आपको जो भी सूट करता है आप लगा सकते हो. वैसे मैं वैसलीन भी प्रेफर करती हूँ, बट इस टाइम पे मैं निविया का रखा हुआ था तो मैंने उसे ही लगा लिया है. अब मैं अपने फेस को प्राइम करने वाली हूँ. मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद मैं प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ. जितने भी प्रोडक्ट मैं यूज़ करूँगी सबका नाम तो मुझे अभी याद नहीं है, बट मैं उनको देख करके उनका सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो. इनमें से कुछ प्रोडक्ट्स मैंने ऑफलाइन लिए हैं और कुछ मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे, तो जिनका अब जैसा भी होगा मैं उनका लिंक डाल दूंगी नीचे. नहीं होगा तो मैं सिमिलर देख के वैसा कुछ डाल दूंगी. अभी मैं कलर करेक्टर यूज़ कर रही हूँ. ये कलर करेक्टर आई थिंक ये स्विस ब्यूटी का है. इसे मैंने ऑफलाइन खरीदा था, ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, उसका लिंक मैं दे दूंगी. इसे मैं लगा रही हूँ अपने पिगमेंटेड एरियाज़ पे, जैसे कि अंडर आइज़ पे और थोड़ा सा नोज़ के पास में, ताकि थोड़ा सा पिगमेंटेशन ख़त्म हो जाए. फेस पे अभी के लिए मैं बस इतना ही रखूँगी. अभी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आई मेकअप, क्योंकि मुझे करना था स्मोकी आईज़, और स्मोकी आईज़ करने पे काफ़ी ज़्यादा फॉल आउट होता है. तो मैंने सोचा कि आई मेकअप पहले कर लेते हैं और बेस तो बाकी सारी चीज़ें फेस मेकअप बाद में करेंगे. सो अपना आई बेस मैं तैयार कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने यूज़ किया है कंसीलर. ये कंसीलर मुझे याद नहीं है, मैं लिंक दे दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर यहाँ पर मैं स्क्रीन पर मैंशन कर दूँगी. कंसीलर को सेट कर लेंगे किसी भी कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से, या फिर आपके जो पैलेट में कोई भी लाइट कलर है उसे आप सेट कर सकते हो. अभी मुझे स्मोकी आईज़ बनानी है, ब्लैक स्मोकी आईज़ बनानी है. इसके लिए मैं एक बहुत ही लाइट ब्राउन सा शेड लिया हुआ है, उसको मैं अपने आउटर वी पे रख के और इनर साइड में उसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी. हम लोग ये क्रीज़ के अपर साइड में नहीं कर रहे हैं, क्रीज़ लाइन को ही ड्रॉ कर रहे हैं, बट थोड़ा सा स्मोकी वे में. ब्रश को थोड़ा सा रोटेटिंग मोशन में ब्लेंड कर रही हूँ मैं, ताकि अच्छा सा स्मोकी लुक क्रिएट हो जाए. नेक्स्ट अभी मैं चेंज कर रही हूँ. मैंने लिया है डार्क ब्राउन शेड सेम पैलेट से. इसे मैं अपनी, और मुझे काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी, और इसे मैं अपनी आउटर वी पर प्लेस करूँगी. उसके बाद में अपनी इनर वी की तरफ हल्के हल्के हाथों से इसे ब्लेंड करूँगी. क्रीज लाइन के नीचे साइड हमें इसे ब्लेंड करना है, और काफ़ी हल्के हल्के हाथों से करिएगा, ताकि जो जितना भी आपका प्रोडक्ट है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए. दोनों आइज़ पर हम सेम कर लेंगे. जो मैं ये पैलेट यूज़ कर रही हूँ, ये पैलेट मेरा बहुत ही पुराना पैलेट है और बहुत ही सस्ता सा ये पैलेट है. ये मैंने ऐसे ही लोकल स्टोर से ले लिया था, बट इसके जो कलर्स हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड और बहुत ही ज़्यादा अच्छे कलर्स हैं. मतलब आपको बेसिक आई मेकअप अगर क्रिएट करना है ना, तो इसमें आपको सारे ही कलर मिल जाएंगे. बहुत अच्छा पैलेट है, मैं ज़्यादातर इसे ही यूज़ करती हूँ. इसका जो भी ट्रांजिशन कलर्स हैं ना, वो मुझे इस पैलेट के काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं, इसीलिए मैं इसे यूज़ करती हूँ. एक जो छोटा सा पैलेट अभी आपने देखा ना, वो भी लोकल स्टोर का ही है और बहुत ही चीप प्राइस में मुझे मिला था, बट इसका जो ब्लैक कलर है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. मतलब मेरे पास अच्छे जो पैलेट्स हैं ना, उसमें भी जो ब्लैक कलर है वो इतना ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है, बट इस पैलेट का ये ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है. सो मुझे जब भी ब्लैक स्मोकी आइज़ बनानी होती है ना, तो मैं इसी पैलेट को यूज़ करती हूँ, इसी पैलेट का ब्लैक कलर ही यूज़ करती हूँ. ब्लैक कलर को मैं हल्का हल्का पूरे ही अपनी लिड पर, जो मेरी लैश लाइन है अपर लैश लाइन के साइड में, थोड़ा सा उसको हल्के हल्के हाथों से मैं ब्लेंड कर लूँगी, ताकि एक अच्छा सा ओवरऑल एक लुक क्रिएट हो जाए. ब्लैक स्मोकी लुक तो मुझे बनाना था, बट मुझे बहुत ज़्यादा डार्क नहीं चाहिए था. मेरी साड़ी का कलर ग्रीन था, तो मैंने सोचा लोअर लैश लाइन पर ग्रीन कलर अप्लाई कर लेते हैं. तो एक दूसरे पैलेट से मैंने ये ग्रीन कलर लिया है, इसे मैं अपनी लोअर लैश लाइन पर अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. उसके बाद अभी स्टार्ट करने वाले हैं हम फेस मेकअप. आइज़ में कुछ अभी बचा है, उसे करेंगे बाद में. इतना तो ठीक है, अभी हम फेस मेकअप स्टार्ट कर लेते हैं. तो जो भी पिगमेंटेड एरियाज़ है वहाँ पे मैं फिर से लगा रही हूँ, क्योंकि इस टाइम पे मुझे काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेशन हो गई है फेस पे. सो मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी लगा के अपना कलर करेक्टर. फाउंडेशन के लिए मैंने यूज़ किया है फिटमी का फाउंडेशन. इसमें मेरा शेड है 230,
और इसे मैं एक ब्रश की हेल्प से पूरे फेस पे अच्छे से टैप टैप कर लूँगी। कोई भी प्रोडक्ट लगाने के बाद आपको तुरंत दूसरा प्रोडक्ट अप्लाई नहीं करना है, नहीं तो आपस में दोनों मिक्स हो जाते हैं और बहुत ही गंदा लगता है। फिर बाद में वीडियो में आपको देख के लगता होगा कि मैं एक के बाद एक लगा रही हूँ, बट ऐसा नहीं है। जब मैं एक प्रोडक्ट लगा लेती हूँ वो अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, उसके बाद ही मैं दूसरा प्रोडक्ट अप्लाई करती हूँ। सो इस ब्रश की हेल्प से, दूसरा ब्रश मैंने लिया है, इस ब्रश की हेल्प से पूरे फाउंडेशन को अच्छे से पूरे फेस पे अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी। उसके बाद में मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी, क्योंकि ब्रश करने के बाद में मुझे ऐसा लगता है ना कि ब्रशेज़ की थोड़ी थोड़ी सी जो लाइंस होती है ना, वो आपके फेस पे आपके फाउंडेशन को केकी बना देती हैं और काफ़ी ज़्यादा विजिबल भी होती हैं। काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी और जो भी प्रोडक्ट मैं लगा रही थी उसको सूखने में काफ़ी टाइम लग रहा था, तो मैं ये फ़ैन लेकर के मैं बैठी हुई थी, इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो रही थी मेरी, मेरा मेकअप जल्दी से सूख जा रहा था। ये फ़ैन मैंने लिया है वैसे फ्लिपकार्ट से, अगर आपको चाहिए होगा तो इसका लिंक मैं डाल दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख लेना। सो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ कंसीलर, लगाऊंगी अपने हायर पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए। ये कंसीलर है स्विस ब्यूटी का, इसे भी मैंने ऑनलाइन ही लिया था। मुझे जब कंसीलर लेना था तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, क्योंकि फाउंडेशन में तो शेड आपको पता चल जाता है, बट कंसीलर में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। अगर आप थोड़ा सा लाइट शेड ज़्यादा ले लोगे ना तो काफ़ी ज़्यादा दिखता है, तो मैं उसमें कन्फ्यूज़ थी। तो मैंने जब फर्स्ट अपना कंसीलर लिया था तो मैंने ऑफलाइन लिया था और अच्छे से पूछ के उनसे तभी लिया था, तो उन्होंने मुझे बताया था कि थोड़ा सा लाइट शेड लेना होता है, बहुत ज़्यादा लाइट लोगे तो काफ़ी वाइट वाइट आपका मेकअप दिखेगा। तो मेरा जो पहला कंसीलर था आई थिंक वो था वेट एंड वाइल्ड का, उसके बाद मैंने इसे ऑनलाइन मंगाया है, ये है स्विस ब्यूटी का कंसीलर और काफ़ी पिगमेंटेड और काफ़ी अच्छा है और काफ़ी ईजिली आपके स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। अभी मैं अपनी ब्राउज़ को फिल करने वाली हूँ। ब्राउ फिल करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ, यूजुअली मैं डेली बेसिस पे मैं यूज़ करती हूँ ब्राउ पेंसिल, बट अभी ये जो मेकअप लुक है इसे मैं थोड़ा सा हैवी है ना, तो इसके लिए मैं इसे यूज़ कर रही हूँ ब्राउ पाउडर, जिसे मैंने ग्रे कलर और लाइट ब्राउन कलर को मिक्स करके लगाया है। जो स्टार्टिंग पॉइंट्स है ना वहाँ पे मैंने इसे लगाया है ब्राउन कलर, और जो थोड़ा सा जहाँ पे ज़्यादा मेरे बाल है ना वहाँ पे मैंने लगाया है थोड़ा सा डार्क शेड, ताकि अच्छा सा एक लुक आ जाए। जब आप हैवी मेकअप करते हो ना उसके बाद में आप पेंसिल वाले जो ब्राउ पेंसिल्स होती है ना उनको यूज़ करते हो ना, तो जो आपका फाउंडेशन होता है ना वो निकलने का थोड़ा सा भी इधर उधर अगर हुआ ना तो निकलने का काफ़ी ज़्यादा चांस रहता है, ऐसा मुझे लगता है। इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ जब मैं थोड़ा सा हैवी मेकअप कर रही हूँ तो मैं ब्राउ पाउडर ही यूज़ करूँ। स्मोकी लुक काफ़ी ज़्यादा हैवी हैवी लग रहा था, इसीलिए मैंने काजल के लिए यूज़ किया है वाइट काजल, और वाइट काजल लगाने के बाद में आंखें आपकी थोड़ी सी ना बड़ी बड़ी सी दिखती हैं और अच्छा लगता है, और मेकअप भी थोड़ा सा हैवी था तो मैंने सोचा क्यों ना वाइट काजल यूज़ किया जाए। लैशेस को वॉल्यूम देने के लिए मैंने यूज़ किया है मेबलिन का मस्कारा। आप मेरे कई सारे वीडियोस में आप देखोगे मैं यही मस्कारा यूज़ करती हूँ, मेरा एक ख़त्म हो चुका था, मैंने फिर से यही मंगवा लिया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी मैं ब्लश अप्लाई कर लेती हूँ। ब्लश के लिए मेरे पास ऐसे कोई बहुत अच्छा पैलेट नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि ब्लश में इन्वेस्ट करना थोड़ा सा वेस्ट लगता है मुझे, अभी तक तो मैंने नहीं लिया है। जब भी मैं लूँगी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। अभी जो मेरे पास आई शेडो पैलेट है ना, इसी से मैंने थोड़े से ऑरेंज शेड को लेकर के अपना ब्लश अप्लाई किया है। अभी पूरे मेकअप को सेट कर लेंगे हम। मैंने यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का कॉम्पैक्ट पाउडर, आपके पास लूज़ पाउडर या जो भी है उसे आप अपना मेकअप अच्छे से सेट कर सकते हो। गर्मी है, पसीना होता है, तो मेकअप को सेट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप मेकअप को सेट कर लो अच्छे से पाउडर वगैरह लगा के। अभी मैं अप्लाई करने वाली हूँ लिपस्टिक, इसके लिए मैंने एक ये प्रॉपर रेड कलर लिया है। पहले मैं कन्फ्यूज़ थी कि थोड़ा न्यूड लगा लूँ, बट न्यूड ना फोटोज़ में इतना अच्छा लगता नहीं है, तो मैंने सोचा एक बार रेड ट्राई करके देखते हैं। काफ़ी दिनों से रेड लिपस्टिक मैंने लगाई भी नहीं थी, सो अभी मैं रेड लिपस्टिक लगा रही हूँ। लिक्विड लिपस्टिक है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक फ़ैन ब्रश की हेल्प से अभी मैं हाइलाइटर लगाने वाली हूँ, जिसे मैं अपने हायर पॉइंट्स पे हाइलाइट करूँगी लगा के। ये एक पाउडर हाइलाइटर है, यस पाउडर हाइलाइटर है, इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी मैं अपनी फॉल्सीज़ लगाने वाली हूँ। पहले मैंने सोचा था कि मैं नहीं लगाऊंगी, बट थोड़ा सा अधूरा अधूरा सा लग रहा था, मेकअप हैवी था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे भी लगा लिया जाए। मम्मी पीछे रेडी हो रही है, मम्मी को जाना था मंदिर इसीलिए वो रेडी हो रही हैं। लैशेस को लगाने का जो सही तरीका है ना, उसे मैं जैसे लगाती हूँ, मैं लगाती हूँ जो आईब्रो प्रकर आता है ना उसकी हेल्प से काफ़ी अच्छे से ये फिक्स हो जाती हैं, बट वो मुझे मिल नहीं रहा था तो मैंने ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से फिक्स कर लिया है। अभी मैं अपनी ब्राउ बोन को हाईलाइट करने वाली हूँ। एक पैलेट मैंने लिया है, उसमें से जो हाईलाइटर अच्छा सा एक शेड है, काफ़ी लाइट है, काफ़ी अच्छा है, उसे मैं अपनी ब्राउ बोन को हाईलाइट कर लूँगी, अपने इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट कर लूँगी। ईयरिंग्स के लिए मैंने दो ईयरिंग्स निकाल के रखी थी, मैं कंफ्यूज थी कि मैं कौन सा पहनूं, तो मैंने दोनों ही निकाल ली थी, मैं दोनों लगा के देख रही थी, बट जो डार्क ग्रीन था वो मुझे इतना अच्छा लगा नहीं, तो मैंने ये पर्ल वाला पहन लिया है जिसमें नीचे साइड वाइट कलर के मोती लगे हुए हैं, ये काफ़ी अच्छा लग रहा था और बहुत ज़्यादा ग्रीन ग्रीन हो जाता तो इसमें थोड़ा सा वेरिएशन चाहिए थे, इसलिए मैंने ये वाला ईयरिंग पहना हुआ है। ये वाली ईयरिंग्स मैंने ऑफलाइन ली थी तो इसका लिंक तो मैं आप लोगों को नहीं दे पाऊँगी। अभी मेकअप को सेट कर लेते हैं इस मेकअप सेटिंग स्प्रे की हेल्प से।
और इस फ़ैन ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी, सारा मेरा जितना भी मेकअप था फटाफट से ड्राई हो जा रहा था क्योंकि स्वेटिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। अभी मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करने वाली हूँ ज्वेलरीज, जिसमें मैं ये एक चोकर सेट है पहनूंगी। इसे मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था, काफ़ी रीजनेबल प्राइस में था, लिंक दे दूंगी, आपको चाहिए होगा तो एक बार आप देख लेना। इसके साथ में छोटी छोटी सी इयररिंग्स भी थी, बट वो इयररिंग्स मैंने इसमें नहीं पहनी है, मैंने थोड़ा बड़ी इयररिंग्स पहनी है। बिंदी के लिए मैं कंफ्यूज थी कि मैं रेड कलर की बिंदी लगाऊं या फिर मैं ग्रीन कलर की बिंदी लगाऊं। पहले मैंने रेड लगाई तो मुझे इतनी अच्छी लगी नहीं, फिर मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी बड़ी बिंदी ट्राई की जाए, सो ये मैंने ग्रीन बिंदी लगाई है। बालों के लिए भी मैं कंफ्यूज थी कि मैं कैसे रखूं, फिर जैसे जैसे करके गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी ना कि ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, सो बालों को बस मैंने थोड़ा सा पिन लगा लिया है, मतलब हेयर क्लिप लगा ली है और ऐसे स्टाइल कर लिया है। सो गाइस, दिस इज माय फाइनल लुक। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। मैं मिलती हूँ आप लोगों को ऐसे ही और हेल्पफुल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।